नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूप में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तक इस तरह के हम लोग 500 के करीब क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। 501 से हमें बात करनी थी। तो 501वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखना है, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन है, क्लोरोफ्लो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, फिर चाहे वो आपके भूगोल के हों या वर्ल्ड जी के, विश्व का सामान्य ज्ञान हो या भारत का, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी, ये आपकी वन डे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और कह लीजिए एक तरह से आपका पूरा निचोड़ है उसका, ठीक। किसी में आपके 800 क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी में 600-700 क्वेश्चन हैं। इसी तरह की आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको बता देना है आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, सूचना अभियांत्रिकी एवं समृद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तो याद रखना बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर चार में आपका बी होगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है। तो ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा चुका है, मीथेन। गोबर गैस में प्रमुखता गैस है आपकी मीथेन। क्वेश्चन है छठवा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। तो याद रखना, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। 56 में आपका, सॉरी 506 में आपका सी होगा, यानी कि 6 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा सातवां, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। चूहों के विष का रासायनिक नाम आपका जिंक फॉस्फाइड है। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है पशुओं का अपशिष्ट। क्वेश्चन है हमारा नौवां, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। क्लोरो पिक्रेन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दस, वायुगैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन, वायुगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। क्वेश्चन है ग्यारह, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है। क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। 0 कैलोरी, किंतु मधुरक वो भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 13, एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है वात स्फीति, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 14, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो ये आपकी प्रशांतक।
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, पिच्छेपास्ट का विकास किसने किया था? तो ये थे आपके वर्नहर बॉन ब्राउन, 15 में बी होगा आपका। क्वेश्चन है 16, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सब्जियां। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो ये थे आपके एडवर्ड कॉल्विन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 18, एड्स वायरस क्या होता है? यह एक सूची आरएनए है। 18 में बी। क्वेश्चन है 19, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है ऑर्गन? 19 में आपका ए है। क्वेश्चन है 20, विक्रीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है पाइरीडीन के साथ? क्वेश्चन है हमारा 21, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम? 21 में आपका डी है। क्वेश्चन है 22, नेप्थलीन का मुख्य उद्देश्य मुख्य स्रोत है कोल तार। क्वेश्चन है आपका 23, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा? क्वेश्चन है हमारा 24, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वाहुतायास से पाया जाता है? यह है आपका हीलियम। 24 में आपका बी है। क्वेश्चन है 25, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी निर्जलीकरण? क्वेश्चन है हमारा 26, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। 26 में आपका ए। क्वेश्चन है हमारा 27, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। सी का सी है 28 में। 29 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ये थी आपके नील्स बोर। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 30, दाहक सोडा कैसा होता है? ये आपका प्रसवेदी होता है, प्रसवेदी। ए ऑप्शन सही है 30। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण? 31 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 32, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मेथेनॉल का? 32 में सी। क्वेश्चन है हमारा 33, जैव पदार्थों के सवलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, जल में फॉर्मल्डिहाइड? 33 में आपका बी होगा। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की, साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद है ग्लिसरॉल? बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 28, यानी कि 28। क्वेश्चन है हमारा 36, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? केरोसिन, मिट्टी के तेल।
क्वेश्चन है आपका 37। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल के। 37 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 38। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। 38 में आपका बी है। क्वेश्चन है आपका 39। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्वेश्चन है हमारा 40। दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। ठीक है। क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है इनमें से? तो याद रखना विस्थापन। 41 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 42। रक्तदाब नापने का यंत्र है, रक्तदाब नापने का यंत्र है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। 42 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 43। गैसों का दाब मापने का यंत्र है मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने का यंत्र है मैनोमीटर। क्वेश्चन है हमारा 44। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन है हमारा 45। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? पैराफीन का, पैराफीन का। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 46। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? मैग्नीशियम, पीते का जलना, फलों का पकना, दही का खट्टा होना। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये बर्फ का गलना नहीं है। क्वेश्चन हमारा 48। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? लोहे का चमकत, नहीं, ईंधन का दहन और लोहे का जंग लगना। इसमें आपका डी होगा, बी और सी दोनों सही होंगे। 48 में आपका डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 49। लोहे में जंग लगने निम्न के कारण होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण। तो इसमें आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका डी होगा, ए और सी दोनों सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 50। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन का। बात करते हैं 51 क्वेश्चन। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। 51 में बी है। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहेगा? ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। क्वेश्चन है 53। संक्षारण है मंद ऑक्सीजन, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 54। वसीय खाद्य का विकृत होने के क्रम का कारण है ऑक्सीकरण। बात करते हैं 55 क्वेश्चन। प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं अनुत्क्रमणीय, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 56। रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी जानकारी देती है? यौगिकों का, यौगिक का प्रतीक और सूत्र। तो इसमें सी होगा 56 में। तो चलिए, ये थे आपके 556 तक रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूम में। तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूम में आगे भी लाते रहेंगे। आगे हम लोग इतिहास के देखेंगे, भूगोल के भी देखेंगे। ठीक है।